Oh mm -hmm. यस्ते कांक्षित वर जो तुम्हारी आकांक्षा है उस वर के बारे में अभिध्यताम सो वर अभिध्यताम वो वर आप मुझे बताइए आप क्या पाना चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ तो भगवान जी को पता नहीं चलता है कि ये क्या मांगने के लिए बैठा हुआ है जो आके पूछना पड़ता है तो पता तो चल जाता है लेकिन तो भी उसका गौरव बढ़ाने के लिए पूछते हैं कि बताओ आपको क्या चाहिए एवं उक्तस्तु दे विश्वामित्रो महातपा प्रणीपत्य महादेव विश्वामित्रम उक्तस्तु देवेन देवेन न एवं उक्तस्तु जब महादेव ने ऐसे कहा तो उनके ऐसे कहे जाने पर विश्वामित्रो महातपा महातपस्वी विश्वामित्र ने महादेव प्रणिपत्य महादेव को साष्टांग प्रणाम करके अब्रवीत अब इदम विश्वामित्र उन्होंने ये वचन कहे उनको प्रणाम करके विश्वामित्र जी ने ये वचन कहे यदि तुष्टो महादेव हे महादेव देवा देव महादेव यदि तुष्टो यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं मम अर्वेदो सांगोपांग उप उपनिषद सरहस्य प्रदीयताम तो आप मुझे अंग उपांग सहित और सरहस्य सब रहस्यों सहित उपनिषद और धनुर्वेद धनुर्वेद मुझे दे दीजिए। तो धनुर्वेद में तो में सब अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है और उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान है तो इन्होंने कहा कि धनुर्वेद मुझे अंग उपांग सहित दे दें और उपनिषद दे दें रहस्य सहित सरहस्य उपनिषद धनुर्वेद सांगोपांग मम अनघ प्रदीयताम हे निष्पाप महादेव अनघ माने निष्पाप अघ माने पाप अनघ माने निष्पाप हे अनघ हे महादेव यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ये ज्ञान दे दो मुझे तो चलो चीज तो अच्छी मांगी कम से कम लेकिन तो भी अब उनको जो है इसको पाकर के भी घमंड आ गया क्या करें यानी देवेशु चास्त्री दानवेशु महर्षिषु गक्षसो हे निष्पाप यानी अस्त्राणी देवेशु दानवेशु महर्षिषु कह रहे हैं जो जो अस्त्र देवेशु देवों के पास हैं देवों में हैं जो जो देवों के पास हैं दानवेशु जो जो दानवों के पास हैं और यानी महर्षिशु जो महर्षियों के पास हैं क्योंकि महर्षि में तो विश्वामित्र आ गए और देवदानव जो भी हैं उनके पास जो हैं गंधर्वों के पास जो हैं यक्ष राक्षसों के पास हैं और तो कोई जाति बची नहीं सारी जातियाँ आ गई इतनी तो जातियाँ हैं देव जाति दानव जाति गंधर्व यक्ष राक्षस और ऋषि तो सारी जातियां आ गई तो इन सभी जाति वालों के आत्माओं के पास जो जो अस्त्र हैं, हे ममा प्रतिभांतु, वो वो सब मुझे दे दो। मतलब किसी के पास भी ऐसा कोई अस्त्र ना हो जो जिसकी कमी मेरे पास हो जिन जिन को भी आपने जो जो दे रखा है वो सब मुझे दे दो तव तो प्रसादात भवतु देव देव, देव मम ईप्सितम आपकी कृपा से जो मेरा ईपितम है जिसको मैं चाहता हूं वो सारे के सारे अस्त्र मुझे मिल जाएं तो विद्या मांग ली अस्त्र शस्त्र मांग लिए तो और तो फिर कुछ बचा ही नहीं तो भावना क्या है डोमिनेशन की डोमिनेट मैं करूं सबको अहंकार फिर भी बच गया तो मांगना तो सबसे पहले तो यही चाहिए साधक को तो यही मांगना चाहिए कि सारे मेरे दोष नष्ट हो और आपकी कृपा का पात्र बन जाऊं तो तब तो उसका कल्याण है और ये बाकी की सारी चीजें मांग करके जितना अहंकार पहले था उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो फिर कल्याण का रास्ता नहीं है ये तो दुख दिलवाएगा ही तो इन्होंने पहले विद्या मांग ली इनको ये था कि वशिष्ठ जी के पास क्या है विद्याएं हैं कुछ अस्त्र शस्त्र हैं तो मैं उनके बराबर विद्या ही मांग लेता हूं सारी और जितने भी दानव राक्षस महर्षि उनके समान मेरे पास विद्या हो गई अस्त्र शस्त्र हो गई तो फिर न, मैं तो किसी से कम नहीं रहा सबसे ऊपर हो जाऊंगा ना मैं तो ये जो भाव है ये अपने आप में ही घातक है मैं सबके ऊपर क्यों बनूं मैं अपने ही ऊपर बनूं ना अपने ही जैसा व्यक्ति को ये जो कंपटीशन और होड वाला जो भाव है ये सबसे ज्यादा दुख देता है क्योंकि मुश्किल से वो किसी एक व्यक्ति को पकड़ पाता है इतनी कोशिश करके फिर उस स्थान पे जाके देखता है कि तेरे से आगे तो तीन चार और हैं फिर वो ही दौड़ शुरू फिर मुश्किल से उनके बराबर हो पाता है तो वहां जाके पता लगा तेरे से ऊपर तो और है पांच सात तो ये होड कभी खत्म होती नहीं है आदमी को ना मतलब शुरू से बचपन से कंपटीशन में डालते हैं हम पहली क्लास से कि आपको तो इन सब से आगे जाना है फिर वो आ जाता है फिर दूसरे में पता लगा कि और कई मेरे से ज्यादा जानकार हैं ऐसे सारे कंपटीशन बीट करते 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 और फिर वो किसी अच्छी सी नौकरी में अच्छी लाइन में निकल गया और वहां जाके पता लगा कि तेरे से ज्यादा धनवान तो बहुत है अब वो धन के कॉम्पिटिशन में लग गया यश के कंपटीशन में लग गया तो ये जो कंपटीशन वाला भाव है ये अपने ही सा, साथ होना चाहिए कि देखो मुझ आत्मा में कितनी शक्तियां हैं और भगवान की कृपा से इतनी तो अभिव्यक्त हो गई और और भी कितनी हो सकती हैं जिससे जगत का कल्याण हो और किसी दूसरे को भी प्रेरणा मिले कि भाई मनुष्य में इतनी शक्तियां भी होती हैं और स्वामी जी महाराज के किसी से कंपटीशन थोड़ी था जो जो परमात्मा शक्ति देते गए उन उनको सेवा में लगाते गए कंपटीशन तो था ही नहीं कहीं तो फिर तो व्यक्ति आनंद में रहता है और कहीं कंपटीशन यदि आ गया तो फिर उतनी मात्रा में तो व्यक्ति परेशान होगा तो इसलिए कहते हैं कि साधक को तो आत्मस्पर्धा में रहना चाहिए कल से मेरा व्यक्तित्व तो आज ज्यादा ऊंचा होना चाहिए तो तब उसको खुशी मिलती जाती है क्योंकि अपनी अनंत शक्तियों की अभिव्यक्ति होती जाती है और दूसरे की तरफ दृष्टि करके कि मैं ही सबको डोमिनेट करूं तो फिर वो तो दूसरे को तो क्या करेगा बेचारा अपने आप को भी नहीं कर पाता है फिर तो उसको तो परेशानी होगी तो इन्होंने मांगा भी तो इतनी तपस्या की महादेव को प्रसन्न किया तो सारी तो विद्याएं मांग ली इन्होंने अंग उपांग सहित और जितने भी अस्त्र हैं देवों के पास दानों के महर्षियों के गंधर्व यक्ष राक्षस वो सब मुझे मिल जाएंगे और आपकी कृपा से जो भी मुझे इपसित है जो कुछ भी मैं चाहूं, ये तीसरा वरदान हो गया एक में विद्या दूसरे में अस्त्र और तीसरे में जो कुछ भी मेरे को मैं चाहूं, वो सब मिले तीन वरदान मांग लिए तो पूरा सिक्योर हो गया कि अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है एवं अस्तु इति देवेश महादेव जी बोले ठीक है एवं अस्तु एवं देवेश वाक्यम उक्तवा गतस्तदा ऐसा वाक्य कह करके वो वहां से अंतर्धान हो गए वो वहां से चले गए तो बोलिए देव तो सोचते नहीं है कि वरदान देते समय मतलब बिना सोचे समझे एवं क्यों बोल देते उनका स्वभाव यही है सारी प्रकृति हमें क्या बोलती है एवं वस्तु जो हम सोचते हैं जिस फील्ड में भी हम सोचते हैं जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं तप करते हैं उसमें सारा ये ब्रह्मांड ये सारा अस्तित्व हमें एवं वस्तु ही बोलता है ये केवल विश्वामित्र को नहीं बोला एवं वस्तु हम सबको बोलता है वो महादेव हम सब को प्रतिदिन प्रतिपल एवं वस्तु ही बोलता है इसलिए बहुत सावधान होकर के कि किसी व्यक्ति के बारे में हमें अपनी राय या अपने शब्द कहने चाहिए क्योंकि जो हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं ना वो हमें ही मिलने वाला है दूसरे के बारे में जो हमारे भाव हमारे विचार होते हैं तो वो वापस हमारे पास ही आने वाला है तो यदि वापस हमें अच्छा चाहिए तो दूसरे के बारे में भाव कैसा रखें प्रयासपूर्वक अच्छा भाव रखना चाहिए कहीं गड़बड़ भी दिख रही है तो प्रयास पूर्वक उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए कि इस व्यक्ति में भी कम से कम ये तो अच्छा गुण है क्योंकि वो हमारे पास आने वाला है वापस तो ये सारी सृष्टि हमें एवं मस्तुई कहती है आप जब आलस्य प्रमाद की बात अपने दिमाग में सोचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिल ही जाएगा कि आप सो सके आधा घंटा क्योंकि प्रकृति बोलती है एवं वस्तु आप बोलते हो कि थोड़ा सोने के लिए टाइम निकालो ना भगवान जी बोले एवं सो जाओ पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था करवाओ ना पढ़ना चाहता हूं तो भगवान जी बोले एवं वस्तु ले चलता हूं पतंजलि जो हम सोचते हैं वो प्रकृति हमें दे देती है आगे पीछे करके तो ऐसे इन्होंने जो मांगा तो देवेश ने कह दिया एवं अस्तु एवं प्राप्त च्राणी देवेशात उस देव से इन अस्त्रों को प्राप्त करके विश्वामित्रो महाबल महान बलशाली हो गई फिर से ये तो ये विश्वामित्र महाबलशाली युक्त बीमारी तो जो असली थी वो तो मिटाई नहीं एलोपैथी में और आयुर्वेद में यही अंतर है ना आयुर्वेद जड़ से मिटाता है बीमारी को एलोपैथी ऊपर ऊपर से दबाती है तो सारे वरदान मांग लिए तपस्या भी कर लिए सारा हुआ किसके कारण था सोलह नंबर श्लोक में देखो इन्होंने क्या कहा था शबलाने तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामी सबसे पहले क्या कहा था तस्ये दर्पम इसके घमंड को को दर्प को मैं नष्ट करूंगी ये तो फिर लिया या दर्प को क्योंकि अंदर से जड़ नहीं कटी ना वो ठीक है ऊपर ऊपर से तो नाश कर दिया ने सारा उसकी सेना को पुत्रों को और जो तथा कथित सुयश था मान मर्यादा थी उसका तो नाश कर दिया और जिसके कारण वो सब थे वो तो सब अहंकार और अज्ञान के कारण थे, तो उससे उस व्यक्ति ने फिर दोबारा उसको बढ़ा लिया तपस्या की साधन तो था ही, शरीर तो था ही, तो व्यक्ति ऐसे ही तो करता है हम सब ऐसे तो करते हैं कोई एक परिस्थिति आती है और भगवान हमारे अहंकार को तोड़ना चाहते हैं तो कोई ऐसी घटना घटित होती है कि उसमें हमारा अपमान होता है और कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि देखो मैंने कर दिया ना इनका अपमान तो अब यदि तो हम साधक होते तो तब तो हम भगवान का शुक्रिया करते कि भगवान जी अहंकार को तो तोड़ना ही है ना साधना के लिए तो चलो कम से कम आपने इतना सा तो एक दिन का तो तोड़ा अच्छा ही हुआ जो मेरा अहंकार टूट गया जो मैं पराजित हो गया और यदि तो हम साधक नहीं हैं हम ऐसा नहीं सोचते हैं हर परिस्थिति में हम भगवान की कृपा को अनुभव नहीं करते हैं तो फिर हम उसी दिन से अपने मन में एक भाव बिठा लेते हैं ठीक है आज आपने मेरा किया है समय आने दो मैं भी आपको ईंट का जवाब पत्थर से दे दूंगा और हम मौके की तलाश में रहते हैं और किसी दिन वो किसी निग्रह स्थान में गया और तुरंत हम अपना प्रहार कर देते हैं। युद्ध में होता है ना जैसे ही देखा भगवान कृष्ण ने कि कर्ण अपने रथ के उसको निकाल रहे खड्डे में से तो बोले अब इसके ऊपर प्रहार किया जा सकता है क्योंकि ये इस समय निग्रह स्थान में है बोले कर दे अभी प्रहार ये समय चूक गए फिर तेरे वश में नहीं आने का है तो ये तो युद्ध की भाषा है और साधक की भाषा दूसरी होती है वो कहता मेरा अहंकार टूटा है यही अच्छा है मेरे लिए देखो तो भगवान की कितनी कृपा है जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई पर ऐसे साधक कितने होते हैं हजारों में नहीं लाखों में कोई एक होते हैं नहीं तो अहंकार टूटते समय व्यक्ति को ऐसे नहीं लगता कि ये भगवान की कृपा ही है हाँ अहंकार की पूर्ति हो तब जरूर लगता है आदमी के घर में जब कोई लाभ होता है तब वो जरूर मंदिर जाता है भगवान की कृपा से हुआ है यज्ञ करवाएंगे हवन करवाएंगे मंदिर में जाएंगे प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान की कृपा से हुआ है जे सब और अंदर अंदर तो यही रहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है तो दिखाने के लिए भगवान के पास जाता है कि भगवान की दया है जी सब और जिस दिन फिर लॉस होता है उस दिन नहीं जाता है जाता भी है तो झगड़ा करने के लिए जाता है भगवान से कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने इतना लॉस कर दिया मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो आपने मेरा अपमान करवा दिया लगता है कलयुग में तुम भी भाग गए तुम भी न्याय नहीं करते हो तो भगवान के पास जाते भी हैं तो झगड़ा करने के लिए जाते हैं या तो शिकायत करने के लिए जाते हैं धन्यवाद देने के लिए नहीं जाते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में क्या आपकी बड़ी कृपा कि इस परिस्थिति से आपने मेरी आंखें खोली बड़ा आपका धन्यवाद और जो ऐसे करते हैं वो वास्तव में सामान्य मनुष्य नहीं होते हैं फिर वो सत्य के निकट है यदि कोई ऐसा करते हैं तो उनको जल्दी मिलेगा फिर तो अब इनका क्या करें प्राप्य अस्त्राणी देवेशात विश्वामित्रो महाबल महता दर्पीण युक्त पहले से दर्प से ही युक्त थे अब महता दर्पेण युक्त अब और ज्यादा दर्प से युक्त हो गए क्योंकि अब तो धनुर्वेद भी मालूम पड़ गया अंग उपांग सहित उपनिषदों का ज्ञान भी हो गया अब तो सारे अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान हो गया और सबसे बढ़कर के वरदान मिल गया जो मैं चाहूं वही होने वाला है तो जब किसी व्यक्ति को ये पता है किसी कक्षा में किसी स्टूडेंट को कि यहाँ जितने भी आचार्य पढ़ाते हैं वो तो सब मेरा ही पक्ष लेने वाले मुझे कोई भी डांटने वाला नहीं है तो ये फिर बड़ा खतरा है उसके लिए फिर क्योंकि व्यक्ति एरोगेंट हो जाता है फिर गुरुजन किसी को कृपा किसी पे करते हैं और उनकी बात सुनते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि मैं तो जो चाहूँ सो करवा दूँ जैसे इन्होंने कहा ना कि देव देव मम तव तब भवतु जो मुझे इप्सित हो वो आपकी कृपा से हो जाए तो जिस व्यक्ति को ये पता है कि मैं तो कुछ भी करवा सकता हूं तो ये उस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं है ये भाव क्योंकि उसके मन में फिर प्रमाद आ जाएगा और वो कभी ना कभी ऐसा करेगा कि जो नहीं करवाना चाहिए था वो करवा देता है और उससे फिर सारी गड़बड़ हो जाती है पीछे तक का सारा उलट पुलट हो जाता है फिर तो ये उससे भी ज्यादा मेहता दर्पेण युक्त उससे भी अधिक घमंड से युक्त हो गए जितना पहले था और दर्प पूर्णो अभवत तदा अब तो ये दर्प से पूर्ण हो गए माने पूरा अस्तित्व ही दर्प से भर गया विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतं मेनेतदा रामा वसिष्ठं ऋषिसत्तमं ततो गत्वा श्रमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनं नाम निर्दग्धं चास्त्र तेजसा अस्त्रं तद्विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्टि भीता मुनय शतशो दिश वसीष्ठ से मृगपक्षिण्रवंता नाना दिभ्य सहस्रश विवर्धम वीरेण इस प्रकार अपने पराक्रम को बढ़ा हुआ समझ करके विवर्धमानो वीर्यण समुद्र समुद्र इव पर्वणी परवणी पूर्णिमा में जैसे समुद्र बढ़ जाता है पूर्णिमा के पर्व पर उसमें भाटा आता है ना कुछ चंद्रमा का ऐसा प्रभाव पड़ता है जल के ऊपर की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं तो समुद्र इव पर्वणी अब वो निमित्त से हो रही है वो जो ज्वार भाटा है पानी का उछाल है वो किसके कारण है चंद्रमा के कारण है और पानी उसको अपना ही समझने लगे तो तो ये तो फिर भूल है उसकी तो ऐसे ही ये वीर विवर्धमान ये जो इसको वरदान मिले थे उससे अपने आप को बढ़ा हुआ समझ करके हतम मेने राम वशिष्ठम ऋषि सप्तमम तो उस समय वशिष्ठम जो वशिष्ठ हैं ऋषि सप्तमम जो ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि हैं ऐसे उन वशिष्ठ ऋषि को हतम मेने मरा हुआ ही समझा उन्होंने बोले अब वशिष्ठ को तो मरा हुआ ही समझो क्या है वो मेरे सामने क्योंकि अब मेरे पास विद्या की कमी नहीं है अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है और उसके अतिरिक्त मैं जो चाहू वो हो सकता है ऐसा मुझे वरदान मिल गया तो अब वशिष्ठ को तो क्या मानो मरा हुआ ही मानो ऋषि सप्तम वशिष्ठम हतम मेने तदा रामा हे राम तब विश्वामित्र जी ने उनको वशिष्ठ जी को मरा हुआ ही समझा और ये सारी कहानी किसकी उपस्थिति में सुना रहे हैं वशिष्ठ जी की विश्वामित्र जी की उपस्थिति में सुना रहे हैं श्री राम को शतानंद तो फिर क्या हुआ इन्होंने जब उनको मरा हुआ ही मान लिया तो क्या हुआ ततो गत्वाश्रम पदम आश्रम में पहुंच करके मुमोच अस्त्राणी पार्थिव इस राजा ने पृथ्वीपति राजा ने अस्त्राणी मुमोचे अस्त्र शुरू किए फिर आश्रम में गया और वशिष्ठ जी को ललकारा और फिर से अपने अस्त्र शस्त्र शुरू कर दिया यही तपोव यही तत्पोवनम नाम निर्दग्धम अस्त्र तेजसा यही अस्त्र तेजसा उन अस्त्रों के तेज से तपोवनम नाम है निर्दग्धम वो जो तपोवन नाम का जो स्थान था वो निर्दग्धम जलने लगा ऐसे आग्ने अस्त्र जब छोड़ेंगे तो आश्रम पद जल आश्रम जो था वो तो जलने लगा एक मतलब एक वो भूचाल सा उठा दिया वहां पर जा करके उपद्रव मचा दिया उदीरियमाणम अस्त्रम तद विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुतः भीता मनय शतशो दिशः उदीर्यमानं अस्त्रं तत उनके उदीर्यमान माने बढ़ते हुए ऊपर उठते हुए उदीर्यमानम अस्त्रं तद्विश्वामित्रस्य धीमतः विश्वामित्रस्य उस बुद्धिमान विश्वामित्र के बढ़ते हुए उन अस्त्रों को देख करके उदीर्यमानम अस्त्रं दृष्टवा बढ़ते हुए उन अस्त्रों को देख करके भीता डरे हुए जो मुनि जो आश्रम में रहते थे तो वो सब भयभीत हो गए और विप्र द्रुता दिश और वो सैकड़ों दिशाओं में द्रुता तेजी से भागे वो जो विप्र थे भीता मुनयह विप्र सतसो दिश द्रुता सैकड़ों दिशाओं में भागने लगे आश्रम छोड़ के जाने लगे जब वो अस्त्र फेंक करके आश्रम को जलाने लगे तो वो सब भागने लगे इधर उधर मुनि लोग वशिष्ठ से ये शिष्या ये वही मृग भयाद्भीता नाना दिग्य सहस तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे और ये चे वही मृग पक्षिण और जो आश्रम में मृग थे पक्षी थे जो भी जंगल के जो जानवर थे पालतू वहां पर रहने वाले थे वो सब विद्रवंती वो सब भागने लगे भयात भय के कारण भयात भीता विद्रवंती भय से भयभीत होकर के वो भागने लगे नाना दिग्भ्य अलग अलग दिशाओं में अनेक दिशाओं में सहस्रशह हजारों दिशाओं में भय से भयभीत होकर के वो सब इधर उधर भागने लगे तो सारा आश्रम उजाड़ दिया ना वसीष्ठ्रम पदम शून्यम आसी महात्म मुहूर्तमी निशब आसीदीन सन्निभ वद वै वसी मैरि मुहुर्मु नाशायाम्यदगाधेय दीहारमिव भास्कर मुक्त महातेज वसीष जपता विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषम् आश्रमं चिरसमृद्धं यत् विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात् त्वं न भविष्यसि इत्युक्त्वा परं क्रुद्धो दण्डम् उद्यम्य सत्वर वेधोम इव कालाग्नेर्यं दण्डम् इवापरम् वसिष्ठस्य आश्रमपदम् शून्यम आसीत महात्मन न वशिष्ठ महात्मा वशिष्ठ का जो आश्रम था वो क्या हो गया शून्य मासित खाली हो गया पशु पक्षी भी भाग गए उनके जो शिष्य गण थे वो भी भाग गए जब इस तरह से आग बरसाने लगे तो और मुहूर्तम इव निशब्दम आसीत और मुहूर्त भर में सारा आश्रम जो है उसमें क्या हो गया सन्नाटा हो गया निश्द एकदम शांति होगी कोई रहा ही नहीं वहां पर तो जहां चहल पहल रहती थी वहां मुहूर्तम इव निशब्दम आसीत वो सब सन्नाटा सा छा गया ई ऋण सन्निभम जैसे ई ऋण माने जैसे ऊसर भूमि होती है जहाँ कुछ अन्न आदि उत्पन्न नहीं होते उसको ईर्ण भूमि कहते हैं ईर्ण सन्निभम ऊसर भूमि के समान उस स्थान के ऊपर सन्नाटा छा गया थोड़ी देर में वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मो नाशयाम्यद्य गाधेयं निहारमिव भास्कर और उनके ऐसे कहे जाने पर वसिष्ठस्य वदत वसिष्ठ उन सब को यह बोल रहे थे माँ भाई इति अरे डरो मत अरे मत डरो ऐसे मुहु। बार बार कह रहे थे कि क्यों भाग रहे हो क्यों डर रहे हो मत डरो डरोमी गाधेयम गाधी पुत्रेयम गाधेय। नाश्यामी अद्य आज मैं इस गाधीपुत्र विश्वामित्र को नष्ट करने ही वाला हूँ मार दूंगा अभी मैं कैसे निहारम इव भास्कर जैसे निहार को कोहरे को जैसे सूर्य की किरणें नष्ट कर देती हैं ऐसे मैं इसको नष्ट कर दूंगा तुम डरो मत मत भागो लेकिन ऐसा कहते कहते भी सब इधर उधर भाग गए और आश्रम पद जो है वो बिल्कुल निश्शब्द हो गया सोना हो गया तो ये पच्चीस श्लोक हमने पढ़े शेष कल पढ़ेंगे आज यही विराम देते हैं। ओ... शांति 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 श्री गुरुभ्यो के नाते से इससे सभी सुहाते हरी के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते किस से वे करेंगे प्यारे किस से वैर करेंगे विविध रूप धर पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को ते इससे सभी सुहाते किस से वेरे करेंगे प्यारे विविध रूप धर आते विविध रूप धर आते विविध रूप धरे आते आती ओ